आप ही देख रहे हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट का LXi वेरिएंट, और आज इसके बारे में करेंगे कंप्लीट बातें, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ऑफर की जाती है आपके लिए। तो जी बेस वेरिएंट से ही आपको हेलोजन बेस प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे और ग्रिल मिलेगी ग्लोसी ब्लैक कलर की। VXi LXi सेम है बिल्कुल सामने से। बेस मॉडल में इंडिकेटर अभी भी फेंडर पे ही रखे है मारुति ने। ब्लैक कलर के ओआरएम्स मिलते हैं, मैनुअली एडजस्ट हो गए, कोई भी ऑटोमेटिक या फिर अंदर वो जो है नोब नहीं दिया गया है, ठीक है। सारी पावर विंडोज मिलती है, ब्लैक कलर का पूरा आपका इंटीरियर दिया गया है, कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं है, ऑटोमेटिक एसी आता है बेस वेरिएंट से। नीचे 12 वोल्ट का एक सॉकेट है और बाकी जो स्पेस है वो वैसा ही रखा गया है, और ग्लोब बॉक्स भी मारुति जैसा ही है, ठीक है। यहाँ पे फैब्रिक दे दिया है लेकिन ये काफ़ी बढ़िया बात है, और जो आपकी सीटें हैं उनके हेडरेस्ट भी आपको एडजस्टेबल मिलते हैं, अब बेस वेरिएंट से फिक्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। इंटीरियर ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं लग रहा, ठीक ठाक ही लग रहा है देखने में। पीछे वाली विंडो भी जो है पावर दे दी, ये काफ़ी बढ़िया बात है। तीनों सीट बेल्ट 3 पॉइंटर जो है वो दी गई है, और ये फ्यूल टैंक यहाँ से खुलेगा आपका, ठीक है। बेस टेल लैंप मिलते हैं आपके पीछे की तरफ, और कुछ ऐसा डिज़ाइन मिलता है, गाड़ी पीछे से छोटी लग रही है अब देखने में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब दिखाता हूँ जी बूट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनिंग का फीचर भी दिया गया है। पिछले वाली स्विफ्ट में 268 लीटर का बूट था, इस वाली में अभी कन्फर्म नहीं किया है मारुति ने। बाकी कोई भी पार्सल ट्रे नहीं आती और सीटें बेंच टाइप फोल्ड होगी। डिफोगर मिल रहे हैं भाई बेस वेरिएंट से, ठीक है। ये पता नहीं मारुति को आइडिया कहाँ से आ गया। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना ब्लैक कलर का, ये बेस वेरिएंट से ग्लोसी ब्लैक मिलता है, प्लास्टिक का पार्ट है, थोड़ा फ्लिमजी सा लग रहा है अभी, बाकी देखते हैं इस गाड़ी में या दूसरी में भी ऐसा ही मिलेगा। पीछे वाले टायर देख लो, पीछे वाले टायर अपने नॉर्मल है, कोई भी डिस्क ब्रेक नहीं आएंगे। जो टायर का साइज़ पहले था वही अभी भी सेम टू सेम रखा गया है। व्हील कैप नहीं मिलेंगे बेस वेरिएंट में, ठीक है। अब जी बात आती है इंटीरियर की, तो स्टेयरिंग अपना पुराने वाली स्विफ्ट वाला ही जो है वो दे दिया गया है, कोई चेंज नहीं है। मीटर अब बदल दिए गए हैं, ठीक है, डबल मीटर मिलते हैं। स्टेयरिंग अपना टिल्ट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, और मीटर भाई काफ़ी बढ़िया जो है वो देखने में लग रहे हैं, ठीक है। पहले वाली जो LXi आती थी उससे तो काफ़ी बेटर लग रहे हैं इसके मीटर देखने में। सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन ना LXi में है ना VXi में है, सीटें पुरानी जैसी थी वैसी ही रखी गई है। और इंटीरियर आप देख लो, अब थोड़ा सा ड्राइवर की तरफ रखा गया है तो ठीक ठाक लग रहा है। बाकी LXi वेरिएंट में ज़्यादा कोई फीचर नहीं है, तो इस वजह से ज़्यादा कोई उतना बढ़िया भी नहीं लग रहा। लेकिन ड्राइवर साइड विंडो ऑटो अप ऑटो डाउन फीचर के साथ दे दी गई है बेस वेरिएंट में। चारों पावर विंडो बार बार बता रहा हूँ मैं बेस वेरिएंट से मिलेगी, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। और डोर हैंडल भी देखो, अब अपनी खिड़की पे ही रह गए हैं, मतलब जो साइड में ऊपर नहीं दिए गए। तो भाई देखने में बढ़िया लग रही है, थोड़ी सी छोटी लग रही है, मतलब छोटी इन द सेंस कि नीची लग रही है हाइट वाइज, बाकी सब बढ़िया है। इंजन देख लो, जेड सीरीज का 3 सिलेंडर इंजन है, और इंजन की आवाज़ भी जो है वो अब आप सुनोगे इसके बाद। अभी स्टार्ट हुआ है तो आइडल में आएगा, उसके बाद बढ़िया हो जाएगा। तो भाई अब आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको गाड़ी देखने में कैसी लग रही है। मैं अपने ओपिनियन बताऊं आपको तो भाई मुझे बढ़िया लग रही है, स्विफ्ट हमेशा से ही मुझे बढ़िया लगती आई है, और अब भी जो है वो देखने में बढ़िया ही लग रही है। VXi वेरिएंट की वीडियो भी आएगी अपने चैनल पे, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।